हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इजी एंड हेल्दी के सेशन में। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ काफ़ी यूनिवर्सल है, हिंदुस्तान में ही नहीं विश्व के हर कोने में अब हर कोई शाही पनीर को जानता है। नाम से ही जैसे लगता है कि ये एक रॉयल डेलिकेसी रही होगी और इस तरीके से ही ये हम लोगों की लाइफ में आई होगी। मुगल काल में अक्सर जो भी ये रेसिपीज होती थी वो बेसिकली वाइट ग्रेवी के साथ बनाई जाती थी और जो ये वाइट ग्रेवी तैयार की जाती थी वो अनियन और या प्याज के पेस्ट और साथ में ड्राई फ्रूट्स डाल के, वाइट पेपर डाल के बनाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे देश काल परिस्थितियाँ होती हैं उस हिसाब से चीज़ों का भी एक विकास होता है, इसी तरीके से इस रेसिपी का भी विकास होता चला गया। आज ये जो रेसिपी है उसमें हम इसकी ऑरेंज ग्रेवी बनाते हैं जिसमें हम लोग टमाटर भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, थोड़ा नटी फ्लेवर चाहिए होता है तो उसके लिए काजू जरूर इस्तेमाल किया जाता है इसमें। बेसिकली यही रीज़न होगा जो ये जो रेसिपीज़ हैं उनमें थोड़ा बहुत वेरिएशन करके इनका नाम बदल दिया जाता है। जैसे पनीर मखनी और शाही पनीर में तो स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रेसिपी हैं वो महंगाई के अनुसार चेंज हो जाती होंगी, अडॉप्ट हो जाती होंगी। हमारे देश में कभी कभी जब प्याज इतना महंगा होता है तो चलो पनीर मखनी बना लेते हैं, और अगर टमाटर का सीज़न चल रहा है बरसात वाला जिस टाइम पे टमाटर बहुत महंगा आता है तो उस टाइम पे शाही पनीर बना लेते हैं। तो आप कभी भी किसी तरीके का एक्सपेरिमेंट करने से मत डरिए। आपके घर में जितने इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं आप उसके साथ उसको बनाने की कोशिश कीजिए, हो सकता है कि आप कोई एक और नई रेसिपी ईजाद कर डालें। बेसिकली खाना बनाने के लिए फीलिंग्स चाहिए होती है, आप बस प्यार से कुछ भी बना दीजिए आपके घर वाले उसको खूब अच्छे शौक से खाएंगे। खैर, मैं ये रेसिपी जो बना रही हूँ इसमें मैंने काफ़ी कम मक्खन और घी इस्तेमाल किया है, टोटल 40 ml के लगभग इस्तेमाल किया है और 4 से 5 लोग आसानी से इसको खा सकते हैं। अब ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि उन्हें कितनी भूख लगी है और कितनी चीज़ें बनी हुई है, पर फिर भी 5 लोगों के लिए सफिशियंट है ये। तो देखते हैं इसे बनाने में हमें कितना समय लगता है और हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। शाही पनीर बनाने के लिए हमने ये लिया है 2 कप के करीबन लाल प्याज, वैसे अगर आपको वाइट प्याज मिलती है तो आप वो लीजिए। इसके अलावा 3 कप से 4 कप के करीबन टमाटर, इसको 1:2 के रेशियो में इसलिए लेना है अगर प्याज ज़्यादा हो गया तो सब्जी थोड़ा मीठी तरफ जाएगी, अगर टमाटर थोड़ा ज़्यादा हो गया तो सब्जी खट्टे की तरफ जा सकती है। इसके अलावा जो इसमें स्पेशल इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं वो हैं 12 से 15 काजू और 1-1 चम्मच के लगभग हम ये इसका पेस्ट बनाएंगे लहसुन और अदरक का, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, और हम इसको मक्खन में फ्राई करने वाले हैं। इसके अलावा मैंने एक कश्मीरी मिर्च भी ली है, ये ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कश्मीरी मिर्च पाउडर से काम चला लीजिए। ये जो मक्खन है वो 1 टेबलस्पून के करीबन है और हम 2 छोटी इलायची भी लेंगे इसके लिए, 1/2 चम्मच के करीबन जीरा, ध्यान रखिए क्योंकि हमने ये पीसना है इसलिए हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल रहे हैं। उसके अलावा 2 तेज़पत्ता और 1 लाल मिर्च। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे ये 2 बड़ी इलायची, 2 पूरी भी नहीं है, 1 और थोड़ा सा और इलायची के बीच, सिर्फ बीज निकाल के डालेंगे इसका छिलका नहीं, और 2 छोटी इलायची के बीज, इसका भी छिलका नहीं डालेंगे, तो हम इसे भी ग्रेवी के लिए डाल लेंगे। अब हम इसमें ये प्याज डाल देंगे, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब इसमें ये थोड़े से काजू और 2 फुल हीप धनिया पाउडर के डाल लेंगे, थोड़ा सा और डाल लेते हैं, तो 1/2 चम्मच 1/2 टीस्पून के करीबन हल्दी डाल लेते हैं। आधा चम्मच के करीबन कश्मीरी मिर्च पाउडर, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें 1 साबुत कश्मीरी मिर्च डाली हुई है इसलिए हम मिर्च थोड़ा कम डाल रहे हैं। अब हम इसमें ये टमाटर डाल लेंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे।
इसे पकने में हार्डली 5 या 6 मिनट लगेंगे, इतने में ही अच्छे से टमाटर इसमें सॉफ्ट हो जाएगा। ये इस तरीके से इस मिक्सचर को पकते हुए 7-8 मिनट हो चुके हैं, टमाटर पूरी तरह से गल चुके हैं। अब हम इसमें से ये जो तेज पत्ता है इनको निकाल लेंगे। अच्छा, ये जब आप मेज़रमेंट करते हैं कप से, उस टाइम पे ये टमाटर और प्याज काफ़ी थिन स्लाइस्ड, प्याज का और टमाटर का मेज़रमेंट कीजिए। ये नहीं कि बड़े बड़े प्याज के टुकड़े डाले और वो एक कप हो गया, उसके केस में इसका जो मेज़रमेंट है वो गलत हो सकता है। ये हमने दोनों तेज पत्ते के जो टुकड़े हैं वो निकाल लिए, बाकी के मसाले निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो हम साथ में पीस लेंगे। लेकिन हमने जो ये साबुत लहसुन और अदरक रखा था ये भी हमको पीसना है, और इसको हमें अलग से इसमें थोड़ा सा फ्राई करना है जिससे इन दोनों का कच्चापन चला जाए। अगर इसमें ग्रेवी में लहसुन का कच्चापन रहा तो उसकी वजह से इसका टेस्ट काफ़ी ख़राब हो जाता है और काफ़ी बेकार साइड में चला जाता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि लहसुन को हमेशा अच्छे से भून लें। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें से जो ये मिक्सचर है वो इसमें डाल लेंगे और इसको अलग से पीसेंगे जिससे इसको भूनने में कम से कम समय लगे। इसके अलावा बाकी का मिक्सचर हम एक बड़े जार में डाल लेते हैं और इसको पीस लेंगे। गरम मिक्सचर ना पीसें, अगर आपने गरम मिक्सचर पीसा तो इसकी जो स्टीम है वो ऑल ऑफ सडन निकल के आने की कोशिश करेगी और आप अपना हाथ भी जला सकते हैं। ये हमने फिर से कढ़ाई को चढ़ा लिया और इसमें हम 1 टेबलस्पून से थोड़ा ज़्यादा, 1 से 2 टेबलस्पून, अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑयली बनाना है सब्जी तो 2 टेबलस्पून के करीबन घी डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे इसमें। इसके क्रैकल होने के बाद जो हमने ये लहसुन अदरक का पेस्ट पीसा है अलग से, इसे इसमें डाल के भूनेंगे। ये इस मिक्सचर ने पूरी तरह से घी को छोड़ दिया है, इसका मतलब जो इसमें हमने लहसुन अदरक डाला था वो अच्छे से भुन गया है। आप देखिए ये कैसे घी बिल्कुल अलग हो गया है इस मिश्रण से, और आप इसकी खुशबू से भी अंदाज लगा सकते हैं कि इसमें जो अदरक और लहसुन का पेस्ट है वो पूरी तरह से भुन चुका है। पर इस चीज़ को हमेशा एश्योर कीजिए कि ये अच्छे से पका हुआ है, अदरवाइज़ सब्जी का टेस्ट बिगड़ जाएगा। परफेक्ट। अब हमने जो ये बाकी का मिक्सचर इस तरीके से पीसा था वो इसमें मिक्स करना है। ये जो मिक्सचर है वो ऑलरेडी पका हुआ है तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस हम इसको थोड़ा अच्छे से इसमें मिक्स होने देंगे और 5 या 10 मिनट के लिए पकाएंगे। और इस बर्तन को पानी या दूध से, 1/2 कप पानी या 1/2 कप दूध से हल्का सा वॉश करके इसमें डाल देंगे। अगर आपको ये करी थोड़ा माइल्ड वर्जन में चाहिए तो दूध डालिए, और अगर आपको ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर में रखनी है तो आप पानी डालिए। मैं फ़िलहाल इसमें दूध इस्तेमाल करने वाली हूँ क्योंकि मैं एंड प्रोडक्ट में क्रीम भी इस्तेमाल नहीं करूँगी। ये हमने इसमें 1/2 कप पानी मिला लिया। आधे कप पानी के बाद इसमें हमने बचा हुआ इस तरीके से दूध भी मिला लिया। अब हम इसे पकने देंगे अच्छे से और उसके बाद इसमें पनीर ऐड करेंगे। इस करी को इस तरीके से बनते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 250 ग्राम के करीबन पनीर मिक्स कर लेंगे और इसको अगले 5 मिनट और पकाएंगे। ये पनीर रेडी है। अब हम इसमें बहुत थोड़ा सा, देखिए ये लगभग 1/4 टीस्पून के बराबर हमने इसमें गरम मसाला डाल दिया। मैंने ये पनीर जो है वो रिच साइड में नहीं बनाया है, मैंने इसमें क्रीम का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपको अगर इसमें
इस स्टेज में क्रीम डालना है तो आप इसमें क्रीम डाल सकते हैं. स्पेशली अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप डाल सकते हैं इसमें क्रीम, या आपको गार्निशिंग के लिए रेजिन्स डालने हैं या ड्राई फ्रूट्स डालने हैं तो आप इसमें वो भी डाल सकते हैं. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी. अपने अनुभव और अपनी जो भी क्वेरीज हैं वो आप मेरे साथ कमेंट्स के जरिए शेयर कीजिए. अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. फिर से मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.